नमस्कार। हमने रीढ़ की हड्डी के विषय में विस्तृत चर्चा की, उसके पाठ का सार जाना, और आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं, तो इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो इसका अगर हम जवाब देखें तो ये हो सकता है कि जो रामस्वरूप हैं और गोपाल प्रसाद हैं, दोनों ही पुराने ज़माने के जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान ज़माने की तुलना में अपना ज़माना जो है वो याद आता है, और ये यादें जो हैं वो स्वाभाविक हैं। परंतु इन तुलना को जो है वो दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। हर समय की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, हर समय में अलग अलग फैशन और रीति रिवाज प्रचलित रहते हैं। ज़माना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग अपने प्राय अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो है वो तर्कसंगत नहीं है। और जो इस एकांकी में भी बताया गया है कि लड़कियों ने पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ दिया है और समय की मांग भी अभी यही है, इसलिए कभी भी अपने समय की तुलना वर्तमान समय से नहीं करनी चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उसकी किस विवशता को उजागर करता है? तो रामस्वरूप ने अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाई, लेकिन वह अपने और साथ ही साथ वह अपने इसलिए कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो और समाज में अपनी पहचान बना सके, लेकिन जब वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने निकलता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित वहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लड़के तथा सास ससुर को लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी, इससे वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। आज भी मध्यम वर्गीय पिता का सर झुका हुआ ही हम पाते हैं, वे लाख चाहते हुए भी जो बेटी की योग्यता है वो नहीं बता पाता है। रामस्वरूप को लगता है कि बेटी की शिक्षा का पता चलते ही मुश्किल से ढूंढा गया जो रिश्ता है वो हाथ से निकल जाएगा, इसलिए रामस्वरूप का झूठ बोलना पूरे समाज में लड़की वालों की मजबूरी को बयान करता है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार से जो है व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं, वह उचित क्यों नहीं है? तो रामस्वरूप ने खूब भाग दौड़ करके अपनी बेटी उमा का रिश्ता जो है वो ढूंढा है, अतः वे अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज का सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे, हारमोनियम बजाकर अपनी कला का प्रदर्शन करे और नज़र के चश्मे को आँख की बीमारी का नाम दे दे, अपनी पढ़ाई लिखाई का ज़रा भी नाम ना ले। हमारे अनुसार जो रामस्वरूप का व्यवहार है वह ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है, ये झूठ पर आधारित है। BA पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसे झूठ पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। लड़की की नुमाइश लगाना बिल्कुल सही नहीं है। उमा एक जीती जागती लड़की है, उसकी अपनी एक पहचान है, वह कोई कुर्सी मेज तो है नहीं जिसके लड़के वालों के सामने जो है वो देखने परखने के लिए रख दिया जाए। तो जो इस तरह का जो व्यवहार है वो हमें जो शिक्षित और पढ़ी लिखी लड़की हैं उसके लिए उचित नहीं है। अब इसमें एक और प्रश्न आता है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं, क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो हम अगर इसमें चाहें तो ये कह सकते हैं कि इस एकांकी में जो है रीढ़ की हड्डी एकांकी में समाज में जो औरतों के प्रति जो गली सड़ी जो हमारी परंपराएं हैं उन पर प्रहार किया है। तो गोपाल शंकर नामक लड़के के पिता हैं, वे रामस्वरूप के घर उमा को देखना चाहते हैं, लेकिन बात पक्की करने से पहले वो शादी के लेन देन की सारी बातें तय कर लेना चाहते हैं। उनके लिए शादी पवित्र बंधन नहीं बल्कि एक व्यापार है,
और दूसरी तरफ जो राम स्वरूप है चाहे नेक पिता है, लेकिन लड़के वालों के सामने अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाना उचित नहीं है। उसे सुशिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए। उसने समाज की धारणा के विरुद्ध उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, किंतु जब इस कारण रास्ते की जो उनकी बाधा आ गई, उसकी पढ़ाई लिखाई जो है उसके रास्ते में बाधा आएगी, तो वो जो है वो अपना मुंह छिपाने लगे। तो जहाँ तक दोनों की अगर हम बात करते हैं तो वो समान रूप से अपराधी हैं, है ना। गोपाल प्रसाद उसमें सबसे अधिक बड़ा अपराधी है क्योंकि वो लालची है, और राम स्वरूप जो है वो जो है बेटी से जो है उस सिर उठाकर जीने का हक छीन रहे हैं, तो वो भी जो है वो अपराधी हैं, है ना। तो इस तरह से इसका उत्तर इस तरह हो सकता है। तो उसके बाद इसमें एक प्रश्न आता है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। तो इस एकांकी में उमा जो है वो एक साहसी लड़की के रूप में उभरी है, और उमा शंकर की कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है, क्योंकि शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के हैं, यानी कि वो व्यक्तित्वहीन है, इसका अपना कोई मत नहीं है, स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वो अपने पिता के इशारों पर ही जो है वो सारे काम कर रहा है, और इस तरह से काम करने वाला एक बेचारा जीव है, एक दब्बू किस्म का कमज़ोर और अपना फैसला न लेने वाला एक नकारा आदमी है। उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वो झुक कर बैठता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। चरित्र की पोल खोलते हुए उमा बताती है कि वह कई लड़कियों के पीछे लगकर जो है सरेआम अपमानित भी हो चुका है। तो इस तरह जो है वो उसके पिता को जो है वो कहती है कि वह चरित्रहीन भी है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, आप बताइए, तर्कसंगत इसका उत्तर देना है हमें। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो सकता है कि समाज को ऊंचा उठाने के लिए कुछ लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है, तो समाज को ऐसे ही लोग नई दिशा और दशा जो है वो दे सकते हैं। समाज को उमा जैसी साहसी लड़कियों की ज़रूरत है ना। वह दहेज लोभी जो शंकर और उसके पिता हैं उसको खरी खरी सुनाकर उनको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाती है। उमा एक प्रगतिवादी सोच रखने वाली लड़की है। वह लड़कियों को कुर्सी मेज या भेड़ बकरियों के दर्जे का नहीं मानती है। उसमें शंकर जैसे कमज़ोर लड़के का पर्दाफाश करने की ताकत भी है। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, वह अपना शोषण नहीं होने देती है। और दूसरी तरफ जो शंकर है वो चरित्रहीन है, व्यक्तित्वहीन है ना, आत्मविश्वासी नहीं है, या हम ये कहेंगे अल्प आत्मविश्वासी है, कायर है, रूढ़िवादी है, और अपने पिता की तरह ही संकीर्ण सोच का स्वामी है। इसलिए शंकर जैसे लोग जो हैं वो पहली पसंद कभी नहीं बन सकते। हाँ, उमा जो है वो युवा पीढ़ी का आदर्श हो सकती है। उमा समाज की जो एक सच्ची प्रतिनिधि है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो इस तरह से कह रही है कि कोई लड़की हूँ कोई अभिशाप नहीं, सिर झुकाना पड़े पिता को ऐसा कोई पाप नहीं। और अब इसमें एक प्रश्न आता है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता जो है वो कहाँ तक उचित है, यानी कि उसकी सार्थकता को आप स्पष्ट करें। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का जो शीर्षक है वो एकदम सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। और इस नाटक की जो मूल समस्या है वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत ना होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच बैठ कर जो है फूहड़ बातें करता, है ना, अशिक्षा को प्रोत्साहन देता। और शंकर अपने पिता के रोब के आगे जो है वो यहाँ पर चूँ भी नहीं कर रहा है, बल्कि हाँ में हाँ मिला रहा है। तो वह अपनी काय उसकी जो है अपनी कायरता है, तो इस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। तो इस प्रकार रीढ़ की हड्डी जो है वो व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसी एकांकी का जो है प्रमुख पात्र मानते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि रीढ़ की हड्डी में जो मुख्य पात्र है वो उमा है, वो एकांकी की मुख्य नायिका है, क्योंकि एकांकी में पूरा समय छाए रहने वाले पात्र जो हैं वो तो हैं रामस्वरूप और गोपाल हैं, है ना। लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि है में जो नायक होता है वही सारी
कथा के मूल रूप में होता है। तो रीढ़ की हड्डी कांकी में जो है मूल रूप से दो पात्र हैं, शंकर और उमा। तो सारी कथा इन्हीं के विवाह की हित की बुनी गई है। और पुरुष प्रधान समाज में दूल्हा यानी शंकर जो है वो प्रमुख पात्र हो सकता है, परंतु वह अत्यंत दुर्बल है, चापलूस है। इसलिए जो उमा है वो चमकते सूरज के भांति एकाएक अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती है और पाठकों पर एक स्थायी प्रभाव जमा जाती है तथा एकांकी की कथा में एकाएक मोड़ ले आती है। इसलिए हम कहेंगे कि जो उमा है वो एक प्रभावशाली और मुख्य पात्र इसका एकांकी का है। और इसमें जब हम चरित्र चित्रण की बात करते हैं कि एकांकी के आधार पर जो रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उन्हें बताइए, तो हम ये कहेंगे कि जो रामस्वरूप है वो बेटी के सुंदर भविष्य को के लिए समाज की मान्यताओं के आगे जो झुक जाता है। इसलिए रामस्वरूप वैसे तो प्रगतिशील है क्योंकि वह मूल रूप से प्रगतिशील व्यक्तित्व इसलिए है क्योंकि वो लड़कियों की उच्च शिक्षा का पक्षधर रहा है। इसलिए उसने अपनी बेटी को पढ़ाया है और वो जानता है कि पढ़ाई लिखाई से जो बेटी है उसका भविष्य जो उज्ज्वल होगा। लेकिन साथ ही साथ एक विवश पिता भी है क्योंकि रामस्वरूप की दुर्बलता ये है कि वो गोपाल प्रसाद जैसे जो लालची लोग हैं उन लोगों का तिरस्कार नहीं कर पाता बल्कि उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। तो इसके लिए झूठ बोलता है ना, उमा से ढोंग भी करवाता है कि जैसे वो चाहते हैं, है ना, उसके वो उसी के अनुसार जो है वो काम करते हैं। और इसी तरह जो गोपाल प्रसाद है वो पुरुष प्रधान समाज का वह अंग है जो चली आ रही जो परंपराएं हैं, है ना, उनका जो है वो उनको बनाए रखना चाहता है और अपना जो दबदबा है उसे भी बनाए रखना चाहता है। इसलिए वो कह सकते हैं कि बड़बोला है, है ना, अपनी जो विशेषता है उनका बहुत बड़ा चढ़ाकर बखान करता है। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की जो अच्छाई है उसकी उसका वर्णन करता है। खाने पीने की बात हो, शरीर की ताकत का वर्णन हो, हर तरह से जो है वो अपने ज़माने को ऊपर दिखाना चाहता है। साथ ही साथ चालाक है, वह अपनी बेटी की शादी को व्यापार समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह उन्हें होने वाली बहू को जो है वो पूरी तरह से जांचता परखता है और उसके चश्मे को लेकर जो है पढ़ाई लिखाई की भी बात करता है। लेकिन साथ ही साथ वो चाहता है कि संगीत पेंटिंग सिलाई आदि में भी जो है वो निपुण हो, इसलिए वो सभी योग्यताओं की परख करता है। साथ ही साथ झूठा है, वह झूठ बोलने में बहुत कुशल है। उसका बेटा जो है 1 साल फेल हो चुका है लेकिन वह कुशलतापूर्वक उसे जतलाता है कि वह बीमारी के कारण रह गया है। हसौड़ है, वह स्वभाव से हसौड़ है, इधर उधर की चुटिली बातें जो है करके वो सबका मन भी लगाए रखता है। रंग भेद का शिकार है, वकील होते हुए पढ़ाई लिखाई में लड़कों का जो है वो अधिकार समानता है, लड़कियों का नहीं, यानी लिंग भेद का वो जो है वो शिकार है। और इसमें अगर उमा की बात करें तो पढ़ी लिखी युवती है, सादगी पसंद है, स्वाभिमानी है, साहसी है, निडर है, है ना, सभी कलाओं में निपुण है और बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली है। और शंकर की बात करें तो पढ़ा हुआ लिखा युवक तो है लेकिन साथ ही साथ चरित्रहीन है, कायर है, आश्रित है, है ना, अपनी बात को रख नहीं पाता है, अल्प आत्मविश्वासी है। तो इस तरह से जो है हम इस कहानी के जो पात्र हैं उनका चरित्रण देखते हैं। और इस एकांकी का जो उद्देश्य है वो भी हम देख लेते हैं कि उद्देश्य है कि नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना है। हमारा समाज नारी शिक्षा को महत्व नहीं देता है, इससे पुरानी पीढ़ी की जो सारी व्यवस्था है वो टूटती है, उनके आसन हिलते हैं, उनका दबदबा समाप्त होता है। वे चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू जो है उनकी गुलाम हो, उनके हाथों की कठपुतली रहे जिससे वह मनमानी सेवा ले सकें। इसलिए वो पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं करते, वे आने वाली बहू की इच्छा को जो है नखरे मानते हैं। उनकी ये सोच जो है धक्यानुसी है। तो लेखक समाज की इसी धक्यानुसी सोच पर आघात करके लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उमा के माध्यम से कहना चाहता है कि बहुएं जो है कुर्सी मेज की तरह कोई बिकाऊ माल नहीं होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई कोई पाप नहीं है। यदि वो पढ़ी लिखी हैं तो उसमें जो है उनकी वो एक ताकत है और उन्हें जो है वो अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। और इस एकांकी में रामस्वरूप जैसे जो पिता हैं उनकी भी बात की गई है कि बेटी की शादी के नाम पर कमज़ोर ना बने और परिस्थिति का सच्चाई से सामना करें।
अब इसमें प्रश्न है कि समाज में जो महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप जो हैं वो कौन से जो है काम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दहेज लेने या देने की प्रथा है उसे जड़ से समाप्त करना होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा, तकनीकी जो शिक्षा है वो दिलवानी होगी। और ये जो तकनीकी शिक्षा के लिए जो महाविद्यालय खोले जाते हैं वो शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी होने चाहिए। और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और खान पान इस पर ध्यान देना होगा, है ना, जिससे वो शिक्षित हों और अच्छा स्वस्थ उनका बन सके। और महिलाओं को जो है हीन दृष्टि से ना देखा जाए, उन्हें भी उचित सम्मान दिया जाए, है ना, और उन्हें सारे हक जो हैं पुरुषों के समान मिले। लड़कियों को जो कानूनन पिता की संपत्ति पर अधिकार तो है लेकिन समाज उसकी इजाज़त नहीं देता। तो महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करने वालों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, है ना। और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी कलाएं सीखनी चाहिए जिससे संकट के समय वह अपना बचाव कर सकें। तो इस तरह जो है आज हमने इसका अभ्यास कार्य देखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अवश्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद। अब इसमें